So hello everyone, I am back on my fourth video on calculator secrets with FX82ES+. So in this video, we'll learn some statistical functions which the calculator enables us to calculate directly. For example, how to calculate mean, how to calculate standard deviation. So ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे. तो सबसे पहले मान लो मेरे को एक raw data दिया गया होगा. मैं आपको raw data बोलता हूँ. 10, 20, 30, 40, 50. बहुत simple data मैं लेता हूँ. ये मेरा sample है. 10, 20, 30, 40, 50. मेरे को इसका mean, मेरे को इसका standard deviation निकालना है. तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं. तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू एसी. शिफ्ट 9 3 इक्वल टू एसी, सब कुछ क्लियर हो गया. अब सबसे पहले सिंस मैं स्टैटिस्टिक्स का चीज को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्टैट मोड में एंटर करूंगा. नॉर्मली वी आर इन मोड 1. देखो मोड वाला बटन दबाया. आपकी बार शिफ्ट मोड नहीं कर रहा हूं, आपकी बार सिंपली मोड वाला बटन दबाया. तो देखो आ रहा है COMP stat and table. हम लोग नॉर्मली COMP में रहते हैं. अब मेरे को जाना है स्टैट मोड में, तो मैं कैसे जाऊंगा, मोड 2. मैं गया मोड में, फिर मैंने 2 दबाया. तो जब मैं जाके मोड में जाके जब मैंने 2 दबाया तो मेरे पास ये सब आ गया. यहां पर देखो क्या आ रहा है, वन वेरिएबल a प्लस बी एक्स. तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वन वेरिएबल एंड a प्लस बी एक्स वाला चीज. तो मैं वन वेरिएबल में के लिए मैं 1 दबाता हूं. अब यहां पर मेरे को बोल रहा है कि डेटा को एंटर करो. मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूं कि मैंने कैसे किया. पहले मैं मोड में गया, फिर मैंने 2 दबाया. अब वो मेरे से पूछ रहा है सर वन वेरिएबल है कि मेरे को कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए 2 वेरिएबल्स एंटर करने हैं. वो भी इसमें हो जाएगा. लाइक द कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल आर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली इन दिस कैलकुलेटर. दोनों का मीन, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट विल बी इन ए प्लस बी एक्स मोड. बट अभी मेरे को एक वेरिएबल का पहले आपको सिखाना है. तो मैं जाऊंगा वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 दबाना पड़ेगा. तो मैं यहां पर अपना डेटा एंटर कर देता हूं. 10 इक्वल टू 20 इक्वल टू 30 इक्वल टू 40 इक्वल टू 50 इक्वल टू, हो गया. मैंने एसी दबा दिया. पूरा कैलकुलेशन होने तक कृपया करके स्टैट मोड से बाहर ना निकले. पूरा कैलकुलेशन होने तक कृपया करके स्टैट मोड से बाहर ना निकले. अब मैं क्या करूंगा, आपको 1 दिख रहा है, जो 1 वाला जो बटन है उसके ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, येलो में लिखा हुआ है स्टैट. मेरे को उसको एक्सेस करना है. तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिएगा क्या करना पड़ेगा सर. प्लीज मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट में टाइप कीजिए. वेरी गुड, शिफ्ट दबा के 1 दबाना है. तो शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे. अब देखो क्या आ रहा है, टाइप डाटा सम वार मिन मैक्स. मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं सम में क्या है. आइए नंबर 3 दबाइए, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स. देखिए पूरा डायरेक्टली आ जाएगा. अगर मैं 1 दबाता हूं, देखिए समेशन एक्स स्क्वायर आ गया है. इक्वल टू दबाइए, आपका आंसर आ गया. अभी तक भी आपका डेटा इरेज नहीं हुआ है, एसी दबाइए और आगे चलिए मेरे साथ साथ. 1 दबाइए, 3 समेशन एक्स चाहिए, 2 दबाइए, इक्वल टू आंसर आ गया. फिर से आइए, अब मैं आपको दिखाता हूं वार में क्या क्या है. शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगे, 4 दबाएंगे. एन मतलब कितना वैल्यूज डाला, मैंने 5 डाला था. अगर आप एन दबाओगे और आप इक्वल टू करोगे तो आंसर डिस्प्ले करेगा 5. एक्स बार का मतलब क्या होता है, सैंपल का मीन. मेरे को मीन निकालना था तो मैं 2 दबाऊंगा, मैं इक्वल टू दबाऊंगा, मेरा मीन आ गया 30. एसी शिफ्ट 1 4 सिग्मा एक्स एंड एस एक्स. आपने अभी क्या डाला, आपने डेटा डाला. हम लोग हमेशा 4 वाला यूज करेंगे बिकॉज मैंने एक सैंपल लिया, मैंने एक पॉपुलेशन से एक सैंपल लिया. सिग्मा होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एस एक्स होता है सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन. तो मेरे को सैंपल था मेरा ये, मैंने एक पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल ड्रॉ किया 10 20 30 40 50. मेरे को सैंपल का, सैंपल जिसका साइज है 5, मेरे को इस 5 का स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, 4 दबाऊंगा, इक्वल टू दबाऊंगा तो आंसर आ गया. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट. अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वेरिएंस. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस फॉर योर वन वेरिएबल. अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है. सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर बाय एन माइनस 1. डाल के देखते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है. शिफ्ट दबाया, 1 दबाया, मैं सम में गया, मैं अभी वैल्यूज एंटर करूंगा. बस देखो समेशन एक्स स्क्वायर, तो 1 दबाया माइनस शिफ्ट 1. एन कहां मिलेगा,
वॉर में, तो फोर दबाया, वन दबाया, देखो एन आ गया, इन टू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर, तो शिफ्ट दबाया, वन दबाया, फोर दबाया, टू दबा के उसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? अब इस पूरा चीज को मेरे को डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स दिया, याद आ रहा है मैं क्या बोला था? तो मेरे को बैक जाना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को काम नहीं कर रहा अच्छे से। सो अब मैं डिवाइड करूंगा इसको। अच्छा देखो, इसमें डिवाइड करेंगे ना तो वो नीचे नहीं आता, वो ऐसा आता है, तो मैं इसको डिलीट करके मैं डिवाइड यूज कर रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। लाइक एन माइनस वन है ना, तो मैं डिवाइड बाय फोर करता हूँ एक बार, लाइक फाइव माइनस वन इज फोर, राइट? समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर बाय फोर, चेक करते हैं आंसर, देखो सेम आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर कैलकुलेट। आप इसमें पूरा सब चीज डायरेक्टली फीड कर सकते हो इस तरीके से, ये भी आप लोग कर सकते हैं। नाउ एक सम हम लोग करेंगे दो वेरिएबल में, कि दो वेरिएबल को किस तरीके से डील करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं गया मोड में, मैं स्टैट मोड में गया, दो वेरिएबल में गया। देखो एक्स भी पूछ रहा है और वाई भी पूछ रहा है, तो क्या करना है, मान लो मेरा एक्स है 1 2 3 4 5 और मेरा वाई है 10 20 30 40 50, या फिर उल्टा ले लेते हैं 50 40 30 20 10। ओके मैं डालता हूं 1 2, मैं कैसे डाल रहा हूँ वैल्यूज, 1 equal to 2 equal to, तो 2 equal to 3 equal to 4 equal to 5 equal to। अब मैं राइट एरो प्रेस किया, अब मैं वाई में आ गया, मेरे को वाई वाला वैल्यूज डालना है, अब मेरे को वाई वाला सारा वैल्यूज डालना है, तो मैं डाला 50 40 30 20 10, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने इसी दबा दिया, अब मैं गया शिफ्ट वन। अब देखिए सम में कितने सारे और चीज आ गए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स स्क्वायर, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, शिफ्ट में गया, वन में गया, वार में गया, देखिए एन एक्स बार सिग्मा एक्स एस एक्स, वाई बार सिग्मा वाई एस वाई, ये सारे चीज आपको यहां पर मिल गए, ये सारे के सारे चीज आपको मिल गए, क्लियर? अब जैसे मान लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सिग्मा वाई का मतलब क्या होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, लाइक पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग एन से डिवाइड करते हैं, एंड सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग एन माइनस वन से डिवाइड करते हैं। तो जब भी हम लोग स्टैट्स यूज करेंगे, लाइक हम लोग के सी एस वन में काम आता है, सी एस टू में काम आता है, हम लोग हमेशा एस एक्स दबाएंगे या फिर एस वाई दबाएंगे, अनलेस एंड अंटिल मेरे को बोल दिया कि यही मेरा पॉपुलेशन है। हम जनरली 100% साइज में लोग पॉपुलेशन नहीं बोलते, जनरली सैंपल साइज ही बोलते हैं, सैंपल साइज ऑफ दिस, सैंपल साइज ऑफ दिस, तो हम लोग हमेशा एस वाला बटन ही दबाएंगे। ओके सो दिस इज हाउ यू डू इट। एक और चीज था शिफ्ट वन। अब देखिए इसमें ना पहले वाले में खाली 5 था, इसमें देखिए 5 में रिग्रेशन आया है, मैं 5 दबाता हूं। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, मेरे को यहां पर मिल रहा है आर बोल के मिल रहा है, दैट आर इज वॉट, दैट आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप 3 दबाइए, आपको देखिए आंसर मिलेगा -1। हाँ ऑब्वियसली -1, क्यों? बिकॉज ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। एक्स 1 से बढ़ रहा है तो वाई 10 से गिर रहा है, एक्स 1 से बढ़ रहा है तो वाई 10 से गिर रहा है, तो R का आंसर तो -1 आना ही था। सो दिस इज ऑल ऑन स्टैट मोड दैट यू यूज इन CS1 एंड CS2। थैंक यू।